सेमेस्टर फोर पेपर जो है 4.1 बोल सकते हैं या पेपर 8 बोल सकते हैं या कोर 8 बोल सकते हैं। इसमें पढ़ना है न्यूमेरिकल एनालिसिस या इसको न्यूमेरिकल मेथड के नाम जानते हैं। पिछले वीडियो में बताया गया था आपका कुछ 100 टाइप्स क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेके आए हैं आपके बीच में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन विथ एंसर। फिर से रिपीट कर दें, एंसर का जो है लास्ट में आपको लिंक दिया जाएगा, है ना, उसी लिंक में आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। और उसमें थोड़ा सा यही है कि उससे खोजना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसमें टोटल का टोटल बुक है वहाँ पर, है ना, सोल्यूशन किया हुआ, और उसका हर टॉपिक बनाया हुआ है जो पूरा यूनिवर्सिटी को कवर करता हो अलग अलग जगह का, है ना। लेकिन विनोबा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो इस बार का नया सिलेबस रिड्यूस सिलेबस है उसी को क्वेश्चन लेकर हम आए हैं, है ना, और इसका सोल्यूशन आपका लास्ट के वीडियो में लिंक मिल जाएगा, है ना। और हम कोशिश करेंगे कि इसको अपने भी प्रैक्टिस करें, अपने दोस्त लोगों को भी प्रैक्टिस करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे, है ना। ये खुशी उसी में है जो लोगों को फ़ायदा हो, है ना, लोगों को भलाई करें एक दूसरे को, ताकि आपका ही न बोला, ताकि लोगों को भलाई कीजिए तो अपना भी भला होता है। इस तरह से आप एक दूसरे को हेल्प करें, है ना। और देखिए, हेल्प करते हुए हम सभी विद्यार्थियों को एक समान करते हुए हम सबका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लेके आए हैं विथ एंसर। तो डिस्कस द बाइसेक्शन मेथड टू ऑब्टेन ए न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एन अलजेब्रिक इक्वेशन एफ एच बराबर जीरो। आप देखे होंगे कि न्यूमेरिकल मेथड में, है ना, अलग अलग तरह के मेथड आता है। एक डिस्क्राइब करने के लिए आता है, एक उसका न्यूमेरिकल आता है, इसी एक क्वेश्चन आता है, है ना। और तीन जो मेथड है, तीनों मेथड यहाँ पर लिखे हम, मेथड तो बहुत सारा है, लेकिन जो इस बार के लिए आपका था इम्पोर्टेंट उसी लिए क्या है, फाइंड द रूट्स एक्स पावर 4-x माइनस 10 बराबर 0 यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड करेक्ट टू 3 decimal places। बता दें आपको कि क्वेश्चन के दौरान क्या होगा कि न्यूमेरिकल में बनाने का तरीका सेम रहेगा, केवल अंक जो है, डिजिट जो है, वह चेंज मिल सकता है, है ना, क्योंकि हम जो उसी क्वेश्चन को दिए हैं जिसका सोल्यूशन मेरे पास था लास्ट में, है ना, और उसी के आधार पर अगर न्यूमेरिकल चेंज करता है तब उसी के आधार पर आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हर टाइप को रखा गया है यहाँ पर, है ना। दूसरा निकाल के डिस्क्राइब न्यूटन मेथड या न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन मेथड या न्यूटन रैप्सन मेथड बोल सकते हैं, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन किसका एफ एच बराबर जीरो का, है ना। इसमें तो बाइसेक्शन था, इसमें क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड क्या है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका अंडर रूट 12, है ना, या क्यू रूट ऑफ 41, है ना, ऐसा पूछ सकता है, सेवन रूट ऑफ 125, जैसा पूछे आपको वैसा बनाना है, है ना। आप तो कितना 4 decimal places। और इसको याद रखें कि न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या था, स्क्वायर रूट था, क्यू रूट था, फोर्थ रूट था, nth रूट था, प्लस की इन्वर्स था इसका, तो टोटल आप उसको डिस्क्राइब करके भी सिखाया गया था, उसको भी देख लीजिएगा। यूजिंग क्या करना है, न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज करते हुए अंडर रूट 12 का वैल्यू और अंडर रूट क्यू रूट ऑफ 41 का वैल्यू निकालना है आपको, है ना, किसका 4 decimal places तक का। डिस्कस द सेकेंड मेथड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना सेकेंड मेथड केवल डिस्कस करना है, सेकेंड मेथड होता क्या है, और उसी का एक न्यूमेरिकल दे दिए हैं, उसी के आधार पर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाना है आपको, है ना, करेक्ट टू 3 decimal places। फिर से बोल रहे हैं कि आपका डिजिट चेंज मिल सकता है, लेकिन लैंग्वेज चेंज मिल सकता है, लैंग्वेज आगे पीछे कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो A to Z आपका इसी आधार पर रहेगा। यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन कितना sq-x-1 = 0 अप टू 3 decimal places, 3 decimal places। 4 का 8 डिस्क्राइब गॉसियन एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड, छोटा छोटा मेथड है, है ना, दोनों एक साथ डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है, इसलिए हम एक साथ कर दिए। अब बी नंबर में सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन गॉस साइडल मेथड, दो तरह का मेथड होता है, वो डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है, दोनों देख लीजिएगा, डायरेक्ट में 2 मेथड है, इनडायरेक्ट में 2 मेथड पढ़ना था आपका, है ना, उसका भी जिक्र कर दिया यहाँ पर, है ना, डायरेक्ट को
अगर मान लीजिए कि हम दिए हैं डिस्क्राइब करने के लिए तो न्यूमेरिकल दिए इनडायरेक्ट से, और इनडायरेक्ट को डिस्क्राइब करके दिए हैं तो न्यूमेरिकल दिए किसे, डायरेक्ट से, डायरेक्ट से न्यूमेरिकल है इनडायरेक्ट से डिस्क्राइब है, डायरेक्ट से डिस्क्राइब है तो इनडायरेक्ट से क्या न्यूमेरिकल है, इस तरह से किया गया है ना। देखिए फोर यहाँ था फाइव नंबर, ए नंबर एक्सप्लेन गॉस जोकोबी एंड गॉस सर्डल मेथड है ना, इस तरह से इनडायरेक्ट मेथड है। और बी नंबर सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गॉस मेसन मेथड है ना, इसको सॉल्व करना है इसके माध्यम से, ये तरह से हो गया इनडायरेक्ट मेथड। ड्राइव लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, ड्राइव लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला को ड्राइव करना है आपको ए नंबर में। अब बी नंबर में यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ वाई बराबर एफ एक्स या एफ 3.5 निकालना है, जो एक तरह सेट तैयार हुआ है एक्स वाई का सेट दिया हुआ आपका एक्स वाई का वैल्यू इस तरह से। सेवन का ए ड्राइव न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है ना। अब बी नंबर में फाइंड द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू फोर, द आर्गुमेंट दिया हुआ 1, 3, 6, 11 या इस तरह दिया रहता है यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और फाइंड एफ एट, कब एफ वन का मान दिया हो, एफ थ्री का मान दिया हो, एफ सिक्स का मान दिया, एफ टेन का मान दिया हो, एफ एलेवन का मान दिया हो, टेबल बना करके इस दिन निकाल सकते हैं। एक टाइप की रहता है, एक टाइप का इस तरह रहता है, दोनों में से कोई एक टाइप पा सकता है एग्जाम में। एट का ये आपको क्या करना है, न्यूटन फार्मूला डिवाइडेड इंटरपोलेशन जो है रिड्यूस करना है आपको, है ना, ड्राइव करना है या ड्राइव डेरिवेटिव यूजिंग फार्मूला फोर, फार्मूला यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ये भी क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन है, और फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला इसी को यूज करके इस तरह से हमको डी वाई अपॉन डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स का मान इसी को यूज करके निकालते हैं ना, इसे दोनों को एज कर दिए हम लोग, इसी को लगातार में निकाल लीजिएगा तो इजली बन जाएगा आपका, है ना, ये चाहिए आता है। बी नंबर में फ्रॉम द फॉलोइंग टेबलेटेड वैल्यू एक्स वाई दिया हुआ टेन डी वाई अपॉन डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स पर एस बराबर 1.5 पर, और इसी तरह का जो भी टेबल देगा अगर इसको बना लेते हैं, इसी तरह का दूसरा टेबल का भी क्वेश्चन आप इजली रूप से बना सकते हैं। यह था न्यूमेरिकल डिफरेंस, एक चैप्टर और इस पर रह गया है ना। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9, ए नंबर है डिस्क्राइब न्यूटन कोर्स क्वाड्रेचर फार्मूला ना, जिसके माध्यम से इसको बोल सकते हैं जनरल फार्मूला फॉर न्यूमेरिकली इंटीग्रेशन, जो करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन को न्यूमेरिकली सोल्यूशन के लिए है ना, वो कहता है जनरल फार्मूला तरह से है। ऑप्टेन ट्रेपेजॉइडल रूल को ऑप्टेन करना है, जिसमें जो फार्मूला आएगा उसी में एन के मान ऊपर रखने से बनता है, और इवेल्युएट करना है छोटा सा क्वेश्चन है 0 से 1 तक एक्स क्यू डी एक्स कंसीडरिंग 5 सब इंटरवल। अब 10 नंबर लिए हैं, ऑप्टेन सेक्शन 1/3 रूल ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, चाहे इसके जगह पर आ सकता है ना कि ऑप्टेन सेक्शन 3/8 रूल ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और उसके साथ एक न्यूमेरिकल रहेगा आपको 0 से 6 तक डी बटे 1+2 बाय यूजिंग सेक्शन 3/8 रूल या 1/3 रूल है ना। न्यूमेरिकल जो भी हो, इंटरवल जो भी हो, बनाने का तरीका सब सेम है ना, इसीलिए इसलिए अगर ये हो तो एक भी न्यूमेरिकल अगर सिस्टम के साथ पूरा प्रैक्टिस कर लिए तो उसकी जगह जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसके आधार पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पूरा का पूरा सोल्यूशन का जो लिंक है वह वीडियो के लास्ट में आपको दे दिया जाएगा है ना, जिससे आप आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। और भी कोई डाउट होता है तो कॉमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं आप हमसे है ना, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा आपको है ना, इसलिए ज़्यादा लोगों को यह प्रॉफिट दे है ना, और अपने भी फायदा प्रॉफिट लें और दूसरों को भी दें, ताकि एग्ज़ाम सबका अच्छा रहे, ताकि आगे आने वाला सेमेस्टर 5 भी लोग पहुंच पाए। सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम होने के बाद फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पेपर के साथ आपको।